नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। आज रेप के मामले में सजा काट रहे राम रहीम की सिरसा स्थित डेरा हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन चलेगा। अकाउंट्स खंगालने के लिए 100 बैंक वर्कर्स बुलाए। जी हां दोस्तों, रेप के मामले में सजा काट रहे राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन चलेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ अपॉइंट कोर्ट कमिश्नर ए.के. पवार सिरसा पहुँच गए हैं। उन्होंने सर्च ऑपरेशन के संबंध में हाई लेवल मीटिंग की। डेरा में 5000 जवान तलाशी लेंगे। अकाउंट्स खंगालने के लिए 100 बैंक वर्कर्स बुलाए गए हैं। सिरसा के कमिश्नर प्रभजोत सिंह ने बताया, सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर सभी अधिकारियों को उनके काम बता दिए गए हैं। जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। बता दें कि 28 अगस्त को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को 10-10 यानी 20 साल की सजा सुनाई थी। डेरा हेडक्वार्टर में तलाशी अभियान के लिए सैटेलाइट के जरिए डेरा का मैप निकाला गया है। ऑपरेशन के मद्देनजर इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसी बेस पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। डेरा के आसपास 16 नाके बनाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 41 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें बीएसएफ की 2, आईटीबीपी की 5, सीआरपीएफ की 20, एसएसबी की 12 और आरएएफ की 2 कंपनियां शामिल हैं। 2002 में एक साध्वी ने गुमनाम चिट्ठी लिखी। इसमें बताया गया था कि कैसे डेरा सच्चा सौदा के अंदर लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था। यह चिट्ठी पंजाब और हरियाणा कोर्ट को भी भेजी गई थी। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ यौन शोषण का केस शुरू हुआ और सीबीआई ने जांच शुरू की। दोस्तों, इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए एफएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।